बड़ौदा शहर में कोरोना मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, तब इन सभी को सटीक और सही इलाज मिल सके उसलिए प्रशासन भी अब मेडिकल स्टाफ को भी बढ़ा रहा है। करीबन 26 जितने MBBS डॉक्टरों को चुना गया है, जिन्होंने अभी अभी MBBS की पढ़ाई पूरी की है। ऐसे 26 डॉक्टरों को वडोदरा महानगर पालिका की ओर से उनकी नियुक्ति की गई है, जो इन दिनों गोत्री अस्पताल, समरस गर्ल्स हॉस्टल और SSG अस्पताल में अपनी सेवाएं देने वाले हैं। इनमें से 6 डॉक्टरों ने कल शाम तक रिपोर्ट भी कर दिया है। ये सभी डॉक्टर जो बड़ौदा के रहने वाले हैं या फिर बड़ौदा के आसपास के निवासी हैं, ऐसे 26 डॉक्टरों को इसमें चुना गया है। लगातार सरकारी अस्पताल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तब इन सभी मरीजों को इलाज मुहैया करवाने के लिए मेडिकल स्टाफ और मेडिकल व्यवस्थाएं भी बढ़ाई जा रही है। प्रशासन की ओर से लगातार मेडिकल स्टाफ तो बढ़ रहा है और साथ ही में कोरोना मरीजों को ज़रूरी बेड उपलब्ध हो उसके लिए भी व्यवस्थाएँ की जा रही है। खासतौर पर कोरोना महामारी की इस दूसरी लहर में वेंटिलेटर और ICU बेड की ज़्यादा ज़रूरत रहती है, तब इसकी व्यवस्था में भी दिन रात प्रशासन लगा हुआ है। डेरी के बाकी स्कूलों में अपने लिए प्रवेश अपने जाणीए छे, कोरोना संक्रमण दिवसे दिवसे वधी रह्यु छे, एनी सामे लड़वा माटे आखू वहीवटी तंत्र छे ए पण सतत कोरोना पेशंट्स ने सारवार माटे तमाम प्रकारना आपणे बेड्स नी संख्या सतत वधारी रह्या छे। आ बेड्स नी संख्या वधारी एनी साथे साथे मेडिकल स्टाफ नी पण जरूरत पड़े, तो आ जरूरत ने पहोंची वाळवाना एक भाग रूपे गुजरात सरकार तरफ थी 26 तारीखना एक ऑर्डर करवामां आव्यो छे अने गुजरात राज्यना अलग अलग शहरोने MBBS डॉक्टर्स जेमणे पोतानो अभ्यासक्रम पूरो कर्यो छे एवा डॉक्टर्सने नेक्स्ट 6 महीना माटे कोरोना कामगीरी अर्थे निमणूक करेली छे। एमां आपणने वडोदरा शहेरने पण वडोदरा म्युनिसिपल कमिश्नर साहेब हस्तक कुल 26 डॉक्टरो मळेला छे। आ डॉक्टरो छे ए गुजरातनी विविध मेडिकल कॉलेजोमां अभ्यास करेलो छे, परंतु एमना रेसिडेंशियल एड्रेस छे ए लगभग वडोदरा प्रॉपर अने आसपासना शहर अने जिल्लामांथी ज ए तमाम डॉक्टर्स आवी रह्या छे। गईकाल सांज सुधीमां 6 डॉक्टरो છે એ હાજર પણ થઈ ગયા છે અને આ ડૉક્ટર્સને આપણે જ્યાં જ્યાં જરૂર લાગશે ત્યાં ખાસ કરીને ગોત્રી અથવા તો SSG મેડિકલ કોલેજની આપણી જે કોરોના હોસ્પિટલ્સ છે ત્યાં એમની સેવાઓ લઈશું। સર હજી કેટલી ડિમાન્ડ છે અને હજુ કેટલી આગળ રીતે લેવામાં આવશે? એટલે હવે જે અત્યારે તો આપણને 26 ડૉક્ટર્સ મળ્યા છે, અત્યારે જે પણ આપણે બેડ્સને એ છે એમાં સતત ને સતત આપણે વધારો કરતા જઈએ છીએ, એટલે નેક્સ્ટ અત્યારે જે પણ એક્ઝિસ્ટિંગ સ્ટાફ છે એમાંથી જ આપણે ચલાવી રહ્યા છીએ, 26 આવે એનો પણ આપણે ઉપયોગ કરીશું। હજી આ ફેસિલિટી વધશે તો જેમ જેમ જરૂર પડશે એમ સ્ટાફની તો બિલકુલ જરૂરત પડવાની જ છે। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर। आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।